हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो जो है आज 11 बजे हम लोग के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मिलेट्स 2023 के संबंध में आज हम लोग के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसका लिंक आप लोग के ग्रुप में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा जिससे जाके आप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को देख सकती हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन देने आ गए हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स बाजार के पीछे ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करने के पीछे कितनी मेहनत, कितनी लगन हम लोग की देश ने लगाई है, कितनी मेहनत की है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। उससे पहले एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, आप लाल बटन सब्सक्राइब वाले बटन को दाब दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपको जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस से अगर चूक जाती हैं देखना 11 बजे तो इसका वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे अपने चैनल पर, जिससे आप इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस से अवगत हो सकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को करने में कितनी मेहनत हमारे देश ने की है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाजरा, मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा। इस बाजरे को 2023 का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है। बाजरा जो है हम लोग के यहाँ होता है वो वैश्विक उत्पादन के में 20% हिस्सा जो है सिर्फ हम लोग के देश का है, और एशिया में 80% उत्पादक सिर्फ और सिर्फ हम लोग का देश करता है। इसके पीछे जो लगन की गई, इसके पीछे जितनी मेहनत की गई, वो मेहनत आप हमारा देश जो किया है लगभग 2018 से इसमें लगा है कि बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए। और उसके लिए 2018 में राष्ट्रीय बाजार में चिन्हित किया गया इसको बाजरा को, और 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर 72 देश ने अपना समर्थन दिया। 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 घोषित किया है। इतनी 2018 से, देखिए 2018 से लगा हुआ है देश हम लोग का पूरा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाए। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ 72 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA जो होता है उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा कहा जाता है, और ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के रूप में घोषित कर दिया है। यानी कि अब UNGA जो है वो बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 घोषित किया। ये इसलिए किया जा रहा है कि बाजरे उत्पादन में तेजी लाई जा सके, उसके ऊपर उसके आगे झुकाव किया जा सके। इसके लिए देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है। कृषि मंत्रालय ही इसको, जो हम लोग के कृषि मंत्रालय मंत्री हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर है, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रमुखता से पेश किया गया बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए ताकि इसके उत्पादन में तेजी लाया जा सके। और बाजरे का महत्व बहुत बड़ा है, इस वीडियो में तो आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ सूचना थी। आपको फॉर्मली वीडियो कॉन्फ्रेंस जो होगा आपका, जो हम लोग के प्रधानमंत्री जी करेंगे कॉन्फ्रेंस, उसका एक भाग आपको हम दे देंगे। फिर आपको लगेगा कि इस बाजरे के संबंध में आपको विशेष जानकारी चाहिए, तो विशेष जानकारी के लिए भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में 11 बजे आज सुबह कॉन्फ्रेंस है, तो 11 बजे आप इसमें शामिल होना नहीं भूलिए। आप 11 बजे शामिल होइए, समझिए आखिर ये क्या है, उसके बारे में हम फिर आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे कि आखिर इसको क्यों इतना किया गया। ठीक है,